हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंशु मौर्य और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूं जो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से अर्न किया है। और क्या क्या मैंने किया है यूट्यूब से मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये जहां मैं अभी खड़ा हूं, ये मेरे स्कूल का ग्राउंड है और मैं आपको स्कूल दिखाता हूं जो मैंने यूट्यूब पैसों से बनवाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए खेलने के लिए झूलों की व्यवस्था है और ये है वो स्कूल। आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पर, यही वो स्कूल है जो मैंने यूट्यूब के द्वारा जो भी पैसा कमाया है, जितना भी ऑनलाइन मैंने पैसा कमाया है, वैसे ये स्कूल बनवाया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, अगर पैसा कमाना चाहते हैं, सच में अगर आपके पास पैसा नहीं है और पैसा कमाना चाहते हैं तो घर बैठे, तो आपके पास यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है कि आप लोग यूट्यूब पर आने से पहले अपना एक जो भी कैटेगरी है उस पर आप जो भी है उस पर आप वीडियो ज़रूर बनाइए। क्योंकि क्या करते हैं, आप लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, सिर्फ आप दो या चार वीडियो डालते हैं और इसके बाद आप डिमोटिवेट होने लगते हैं कि आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते। दोस्तों, यूट्यूब पर आने से पहले आप ये याद रखना कि आपके अंदर मोटिवेशन, पेशेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए और कंटिन्यूटी। YouTube पर आने के लिए आपको कंटिन्यू वीडियो YouTube पर डालना होगा और स्मार्ट तरीका क्या है वो आपको अपनाना होगा। नए नए टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको बनाने होंगे। ये स्कूल है जो मैंने YouTube के अर्निंग से बनवाया हुआ है और इसमें बहुत पैसा लगा है, बहुत पैसा लगा है। आप खुद गेस कर सकते हैं कि 12,000 स्क्वायर फिट में ये बिल्डिंग बनी हुई है और कितना पैसा लग सकता है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूं कि जो बिल्डिंग है वो क्या क्वालिटी है और बच्चों के लिए खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे क्लासेस हैं और क्या क्या व्यवस्था है। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाह लेते हो, दुनिया में कोई भी काम हो वो इंसान ही करता है, सिर्फ आपको पेशेंस और मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ अपने इस चैनल पर। क्योंकि डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, बस आपको काम करना है। ये विद्यालय आप देख सकते हैं और साइड से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कि साइड से विद्यालय मेरा कैसा है। साइड से दिखाइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड से जो लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं इतना लंबा मेरा स्कूल है। तो अब ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, अभी दो फ्लोर बने हुए हैं और आगे भी फ्यूचर में अगर जो भी अर्निंग होगी इसके द्वारा, स्कूल के द्वारा, तो ये आगे ऊपर बनवाया जाएगा। चलिए मैं आपको अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या मेरे स्कूल में बच्चों के लिए है। ये आप देख सकते हैं ये है मेन गेट और यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, मतलब स्कूल में सारी सिक्योरिटी के साथ सारी व्यवस्थाएँ हैं, सिक्योरिटी है बच्चों के लिए। और अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है प्लेग्राउंड जो बच्चों के लिए खेलने की सारी व्यवस्था है। यहाँ पर ये एक्टिविटी हॉल है जहाँ पर बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है चेयर बच्चों का, जो क्लासरूम है ये PG क्लासरूम है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और साथ ही साथ LCD की व्यवस्था है जहाँ से बच्चे डिजिटली पढ़ सकें और सीख सकें। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है हमारे स्कूल में। जो भी PG की क्लासेस हैं बच्चों के लिए यहाँ खेलने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ये मेरा भाई है छोटा अनुज, यही वो मोबाइल मसाला वाला जो चैनल है ऑपरेट कर रहा है। और ये है बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, आप खुद देख सकते हैं अंदर ही जो इंडोर जो गेम्स हैं वो बच्चों के लिए दिए गए हैं। चलिए मैं आपके आगे और भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये है रिसेप्शन जहाँ से जो भी चीज़ें हैंडल की जाती हैं, अगर कोई गार्जियन आता है तो यहाँ से ही उसको एडमिशन कराना है, फीस जमा करनी है, वो चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। और अंदर ही यहाँ पर एक रूम है जहाँ पर एडमिन है, जहाँ से सारी चीज़ें जो भी स्कूल का मैनेजमेंट का काम होता है वो यहाँ से हैंडल किया जाता है। यहाँ पर प्रिंटर रखा हुआ है और यहीं पर मैं वीडियो शूट करता हूँ। ये मेरी चेयर है जहाँ से मैं सारी चीज़ें हैंडल करता हूँ। और भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने स्कूल में सारी व्यवस्थाएँ की हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से अच्छे क्वालिटी के जो फर्नीचर है वो मैंने यूज़ किए हैं। ये है हमारे प्रिंसिपल सर, आप देख सकते हैं ये इन्हों के कंधों पर पूरे स्कूल का भार है और यही अब स्कूल को चला रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर की लॉबी है और यहाँ पर फायर के सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी लगे हुए हैं सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और साथ में ये है कंप्यूटर लैब, ओपन करो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है अंदर का नज़ारा और कुछ इस तरीके से बीच में ये पोर्च बना हुआ है
और ये ओपन है, चारों तरफ से ओपन किया गया है जिससे कि जो वेंटिलेशन है, लाइटिंग, जो भी लाइट आ सके अच्छे से, तो अंधेरा ना रहे रूम कमरों पर, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर देखते हुए की जाएगी। ये यहाँ पर स्टाफ रूम है जहाँ से जो भी टीचर्स हैं वो वहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल रूम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और ये नोटिस बोर्ड है जहाँ पर सारी चीज़ें जो भी नोटिस बोर्ड नोटिस होती है वो यहाँ पर लगाई जाती है बच्चों के लिए और गार्जियन के लिए। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये है हमारा प्रिंसिपल रूम जहाँ से प्रिंसिपल सर यहाँ पर बैठते हैं और यहीं से कॉलेज को देखते हैं, और यहाँ पर ये कैमरे का जो भी है सीडी लगी हुई है और यहीं से कैमरे ऑपरेट किए जाते हैं, देखे जाते हैं। और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ अभी अभी, मैं आपको और भी एक चीज़ दिखाता हूँ, कंप्यूटर लैब के बारे में दिखाता हूँ। ये कंप्यूटर लैब है और मैं स्कूल में मेरे क्या है कि कंप्यूटर की सारी व्यवस्थाएं हैं बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की, जो भी डिजिटल क्लासेस हैं वो यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। आप देख सकते हैं ये है कंप्यूटर लैब और यहाँ से ये सिस्टम कुछ रखे हुए हैं, अभी फ़िलहाल में कम सिस्टम है लेकिन धीरे धीरे सिस्टम बढ़ जाएंगे, और सारी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ से, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और बच्चों को लाइव क्लासेज यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मैंने जो क्वालिटी है अपने गांव में गांव के बच्चों को दी है, और भी आगे मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर ये पानी पीने की व्यवस्था है, और साथ ही साथ यहां पर आरओ वाटर भी लगा हुआ है, बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, आरओ वाटर की व्यवस्था है, और यहाँ पर ये टोटियाँ लगी हुई हैं, साथ में ये वॉशरूम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है जिससे इलेक्ट्रिक बेल मैंने लगवाई है, चलिए मैं आपको इसको बजा कर दिखाता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बेल चलती है बिजली के द्वारा, और यहाँ पर ये वॉशरूम है गर्ल्स का और इधर ही सामने ही ये बॉयज़ का, और आप देख सकते हैं ये भी जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है ये फायर का इंस्ट्रूमेंट है, जिससे अगर कभी भी इन फ्यूचर में स्कूल में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, आग वगैरह लगती है, तो इससे हम उसे बुझा सकें। तो इस तरीके के कुछ इस तरीके का मेरा स्कूल है, आप देख पा रहे होंगे बहुत पैसा लगा दोस्तों, और जो भी पैसा है ये सारा ऑनलाइन पैसा कमाया गया है, सारा पैसा ऑनलाइन कमाया गया है और उसी से ये विद्यालय बनवाया गया है। जैसे नीचे है वैसे ऊपर भी है, सेम जैसा नीचे है वैसा ऊपर ही। चलिए अब मैं आपको क्लासरूम्स दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये है क्लासरूम्स, और यहाँ पर जितने भी ये लॉबी है इधर भी क्लास है और इधर भी क्लासेस हैं, इधर थ्री क्लासेस, मतलब पूरे नीचे जो हैं 10 रूम्स हैं और दो छोटे छोटे रूम्स हैं और एक बड़ा हॉल है। अभी देख सकते हैं ये है पीजी क्लास प्ले ग्रुप, कुछ इस तरीके के लाइटिंग है और इस तरीके के पंखे लगे हुए हैं चारों तरफ, और आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छे से क्वालिटी से इसको पूरी फर्नीचर लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये भी क्लासेस हैं जो कि अभी फ़िलहाल में बच्चे अभी आए नहीं हैं, क्योंकि आज क्या है पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल में, इस वजह से अभी बच्चे आए नहीं हैं और टीचर्स लोग आ चुके हैं। मैं आपको और भी दिखाता हूँ, यहाँ पर ये एक UKG का क्लासरूम है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके के फर्नीचर हैं स्कूल में, और काफ़ी सजावट है, साज सज्जा की गई है ताकि बच्चे हैं PG में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें स्टिकर्स वगैरह कलर वगैरह ये सारी व्यवस्था की गई है, और हर एक क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं लाइव हर एक क्लासरूम में कैमरा लगे हुए हैं ताकि जो भी टीचर्स हैं या फिर बच्चे हैं क्लास में क्या एक्टिविटी होती है वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकें। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी कि स्कूल में मैंने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, और ये बड़ी क्लासेस हैं जहां पर बच्चों के लिए कुछ इस तरीके के फर्नीचर लगे हुए हैं, और सारी चीज़ें चारों तरफ दीवार में आप देख सकते हैं चारों तरफ साज सज्जा की गई है ताकि बच्चे जितना ज़्यादा देख सकें उतना ज़्यादा सीख सकें। तो दोस्तों आपको मैंने सारी चीज़ें दिखाई कि ये जो चीज़ें मैंने की हैं ये सभी ऑनलाइन अर्निंग के द्वारा किया है, कोई भी किसी का भी और का पैसा नहीं है, जो भी मैंने पैसा ऑनलाइन कमाया हुआ है वो सभी मैंने अपने स्कूल में लगा दिया है। तो यही ये मोटिवेशन है आप सभी लोगों के लिए कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक समय था कि यहाँ पर खेती हुआ करती थी, खेत थे यहाँ पर, और ऐसा स्कूल शायद मेरे इलाके सा में या फिर आसपास कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएँ हुई हों। तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सिर्फ आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो अगर आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो यूट्यूब को छोड़िए मत, आप पार्ट टाइम यहाँ पर काम करिए, और मैं आपको बता दूँ अगर आप तन मन निष्ठा
और लगन के साथ काम करेंगे तो 100% आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। और अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो मेरा वीडियो आप देखिए, मेरे सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बताऊं, मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा, इतनी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि YouTube से आप और भी क्या क्या कर सकते हैं, तो 100% आपको ये मोटिवेट करती हैं। आप खुद मोटिवेट होइए कि क्योंकि ये स्कूल मैंने ऑनलाइन पैसे से ही बनवाया है, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू काम करिए और जो भी चीज़ें हम आपको बताएं, बस आप देखते रहिए, सीखते रहिए और कंटिन्यू अपने वीडियोस अपलोड करते रहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।